رحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وعن أبي نجيد عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله تعالى عنهما أن إمرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال لقد تابت توبة لقسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم वल वज त अफ वन अनजादत बिन अफसिहाज़ा वजल रवासी बड़ी ज़बरदस्त ये हदीस है तोबा के बाद में क्योंकि तोबा का हमारा मौजूद चल रहा था और अब तक़रीबन मुकम्मल होने वाला है जी इन शह इसको हम मुकमल करेंगे इससे पहले आपने हजरत क़ बिन मालिक का वाक़ पढ़ा और सुना है और उसमें भी तोबा के हवाले से ज़िक्र था आज की जो हदीस है इसके रावी अबू नुजैद इमरान बिन हुसैन खुजाई ये इसके रावी हैं बयान करते हैं कि जुहैना जुहैना कबीले से एक औरत आप की खिदमत में हाज़िर हुई और वही मिन जीना वो इर्तिकाबे जिना से हामिला थी फ़ालतिया रसूल अल्ला और सब तो हद्दन फ़ाकिम और उसने आकर अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल मुझ मुझसे हद वाले गुनाह का इरतकब हो गया है बस आप मुझ पर हद कायम कर दीजिए देखें खौफ खुदा के एक गलती हो गई गुनाह हो गया उसका बाकायदा आकर अतराफ़ किया और मुतालबा किया कि मुझ पर उसकी हद को का क़ायम किया जाए यानी अल्ला के रसूल स दौर में या आपके साथियों में या सबक़ कराम रिजवान अजमैन में खौफ ख़ुदा इस क़दर था कि अगर ग़लती हो गई पहली बार तो गलती से बचते थे गलती से शनाब करते थे ग़लती से ग्रेज़ करते थे ग़लती करते नहीं थे और अगर इंसानी फितरत और कमज़ोरी के तहत कोई ग़लती हो गई वकान इंसान ज़ाइफ आ तो वो आखरत का खौफ उन्हें चैन नहीं लेने देता आखरत की सज़ा आखरत की सख्ती आखरत की शिद्दत और आखरत का खौफ ये उनको चैन नहीं लेने देता कि ये हमसे ग़लती हो गई है इसका कोई तलाफ़ी की जाए इसका कोई मुदावा किया जाए इसका कोई कफ़ारा अदा किया जाए और उसको भी मालूम था कि ये इतना बड़ा गुनाह है कि उतनी ही बड़ी उसकी हद है और उसकी सजा है और वो क्या है अगर शादी शुदा हो तो उसको रजम किया जाएगा और रजम आपको मालूम है क्या है क्यों अब्दुलरमान भाई जी शाहिद भाई उसको मैदान में गड़ा खोदकर जमीन में गाड़ कर कुछ हिस्सा उसका जिसम का ज़मीन में गाड़ कर ताकि वो जुम्बिश ना करे भागे ना और उस सज़ा से ना बचे और फिर उसके बाद उस पर पत्थरों की बारिश हो और इसी अंदाज में उसकी मौत हो जाए बड़ी अजियत नाक यानी और इससे भी पता चलता कि जना यानी कितनी बड़ी जो है वो कितना बड़ा यानी ये जुर्म और ख़ास तौर पर जो शादी शुदा हो और इसीलिए इस्लाम निकाह की हौसला अफजाई करता है और बेहयाई और जिना की हौसला शिक करता है लेकिन आज का माशरा वो निकाह की हौसला शिक नहीं करता है और बेहयाई बदकारी और ज़िना और फ़ाशी इसकी हौसला अफजाई करता है। आज का हमारा माशरा। ऐसा है कि नहीं निका मुश्किल है आप सलम के दौर में सबसे आसान जो चीज़ थी वह निका था ना कोई बैंड बाजे ना कोई बारात ना कोई जहेज ना कोई रस्में, ना कोई लाओ लश्कर ना कोई रस, ना कोई रस्में मेहंदी माया है जी बारत रुखसती और पता नहीं क्या क्या हिंदवाना रस्में जो हमारे मुस्लिम माशरों में राज है और आज जब लोगों से आला सुनते हैं खसूस हिंदुस्तान में जिस तरह जहेज़ की लानत है पिछले दिनों हमारे एक दोस्त उनकी बच्ची की शादी हुई तो हालांकि वो ख़ुद आलिम दीन है मज़ह से डिस्कस हुआ वो साथी यहीं होते हैं सऊदी अरब तो वो फ़िक्रमंद थे तो मैंने कहा हजरत आप माशा आलिम दीन है सादगी के साथ बच्ची का निकाह करें रुख्सती करें आपको क्या ज़रूरत है परेशान होने की परेशान हो दुनियादार लोग परेशान हो हैं कहते हैं भाई इस दुनिया में रहते हैं दुनियादारी निभानी पड़ती है हमारे ख़ानदान और कबीले बरदरी में ऐसे रस्म रिवाज़ हैं और ये ख़ास तौर पर जहेज़ के मामला कि ना अगर दें तो सारी ज़िंदगी जो है वो बच्ची को ताना मिलता रहेगा इसलिए दीन है हलदीस हैं सब कुछ हैं उसके बावजूद हमें भी ये सब कुछ करना पड़ेगा यानी ऐसा माशरे ने रस्म व रवाज के अंदर लोगों को जकड़ा हुआ कि जो है कोई अल्लाह का बंदा मुजाह है जो इस रस्म व रवाज और इन जकड़बंदियों से और इन जंजीरों को तोड़ दे वरना नास का बुरा हाल है यानी ये मैं एक आलिम की बात आपको बता रहा हूँ आम लोगों तो छोड़ दें एक आलिम की बात बता रहा हूँ हालम है हदीस है मनहज को समझने वाला है और इन सारी चीज़ों को जानता है लेकिन उसका भी ये कहना है कि भाई बिरादरी में रहना है और बिरादरी में शादी करनी है तो भाई ये सारी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा अल्ला, हुंस्ता, अल्ला हुंस्ता। तो अगर माशरे के अंदर उलमा को चाहिए ना इसकी एक मुहिम चलाएँ इजमाहीजतमी इज्टमाई तौर पर इसका एक तदारुक करें यानी मैं जब सुनता हूँ खसूसा हिंदुस्तान के मामला तो मैं हैरान होता हूँ कि वहाँ उलमा क्या कर रहे हैं और वहाँ की दीनी और मज़बी ज़मातें क्या कर रही हैं तो हमारे पाकिस्तान में भी बुरा हाल है लेकिन इंडिया में ज़्यादा बुरा हाल है तो वहाँ की मजहबी जमातें मज़बी रहनुमामा और क्या कर रहे हैं है तो यानी इसका बुरा असर क्या है कि अगर वक्त पर शादी नहीं होगी और निकाह नहीं होगा सुन्नत के मुताबिक और आसान तरीके से तो बेहयाई फैलेगी बदकारी फैलेगी जना को रिवाज मिलेगा फहाशी को रिवाज मिलेगा ऐसा ही है ना जब आप हलाल और आसान तरीक़े को बंद कर दोगे या मुश्किल कर दोगे फिर नाजायज़ और हराम रास्ते ही खुलेंगे ना पहले निकाह में मुश्किलात फिर अगर कोई शख्स दूसरा निकाह करना चाहता है अगर कोई बेवा है कोई मुतल है या कोई एजड खातून है तो फिर भी माशरे मौ, के रस्म रिवाज पाबंदियाँ हदूद और कूद और शरात उन्हें इस काम से रोक देती हैं जबकि आप के दौर में एक सहबिया के बारे में आता है कि उनके पे दर पे पता नहीं कितने यानी खावंद वो जहाद में शहीद होते रहे और उनका दूसरा से तीसरा तीसरे से चौथा चार पाँच निका हुए किसी ने यह नहीं, नहीं कहा औरत मनूस है जिसका शोर हर थोड़े से बाद फौत हो जाता है या शहीद हो जाता है उल्टा सादत समझते थे कि ये शहीदों की बेवा है एक खावन शहीद होता तो दूसरा पैगाम फौरन आ जाता इद्दत गुजरने के बाद ये था इस्लामी माशरा जो किसी बेवा को किसी मुतल को किसी निका के काबिल ख़ातून को अकेला नहीं छोड़ता था उसका सहारा बन जाता था और ख़ुद आप की ज़िंदगी एक बीवी के अलावा आपकी जितनी अजवाज हैं या आप की जो इतनी अजवाज हैं उसमें हमें क्या सबक मिलता है कोई बेवा है तो, कोई मुतलक़ा है कि जिनको आपने सहारा दिया सपोर्ट किया उनके साथ बच्चे आए तो उनको भी सपोर्ट किया लेकिन मसला यही है कि हमें हम मुसलमान हैं लेकिन हमें इस्लाम पर अमल करना पसंद नहीं तो उस खातून ने कहा असब तो हद दन फ़ाकम होलैया तो मुझसे हद वाले गुनाह का अरतक हो गया आप मुझ पर हद कायम फ़रमा दीजिए फ़दाय नबीस वली फ़क़ाल आहसिन इजा वजात सल्लम ने उसके किसी वली को जो, जो उसका करीबी रिश्तेदार था वारिस था वली था उसको बुलाया और फरमाया इसको अच्छे तरीके से अपने पास रखो और जब ये बच्चा जन्म दे बच्चा जन ले तो उसके बाद इसको लेकर आना हमारा मुआरा होता तो ताने दे दे के उसको ज़िंदा दरगोर कर देता ठीक है इंसान है गलती हो गई अगर वो उस पर नादिम है उस पर शर्मसार है तोबा रुजू कर रहा है कोई शख्स गुनाह के बाद तो उसको मौका देना चाहिए उसको स्पेस देना चाहिए और हमारा मुशरा जो गलती कर ले इसीलिए कहते हैं कि बद अच्छा बदनाम बुरा यानी अगर तो गुनाह किसी का जाहिर नहीं है वो कितना भी बड़ा गुनाह घार है लोगों की नज़रों में नेक बना हुआ ठीक और किसी की थोड़ी सी गलती लोगों को पता चल गई तो उसका वावेला और उसका शोहरा और उसकी बदनामी और हर जगह उस पर बातें यानी हमारा मुआरह किसी को स्पेस देने के लिए दरगुजर करने के लिए माफ़ करने के लिए अपनी असलाह करने के लिए भी तैयार नहीं मैंने एक वाक़ा पढ़ा था जब ाल मौलाना मालिक मुजाहिद साहब ने अपनी किसी किताब में लिखा था कि एक शख्स जो शराबी और कबाबी और बहुत बुरा आदमी तो एक दफ़ा मस्जिद में आ गया ना तो लोग उसको धक्के देने लगे उसको बुरा भला कहने लगे उसको मस्जिद से निकल जाने का कहने लगे तो इमाम साहब ने उस वक्त ये रोल अदा किया कि लोगों को ठंडा किया और उसे बड़े अहसन अंदाज के अंदर बात की उसके साथ बहुत अख्लाक के साथ वो उनके इमाम साहब के अखलाक से इतना मुतासर हुआ कि वो शख्स अपने गुनाहों से तायब हो के पक्का नमाज़ ही बन गया और हम अरे ये फ़लाँ अरे ये फ़लाँ मस्जिद में आ गया अरे अल्लाह के बंदे अगर वो मस्जिद में आ ही गया उसको तोफ़ीक हो गई तो उसको मौका दो क्या ख़्याल है हम तानों से ही बंदे की ज़िंदगी को जीरन कर देते हैं पिछले वाक़ात का वाला पिछली जिंदगी का वाला उसके का माजी का वाला दे दे दे। लोग ताय हो जाते हैं लोग तोबा कर लेते हैं हमारे मोहल्ले में एक वाक़ा ऐसा हुआ कि कोई शख्स किसी को नसीहत कर रहा है किसी मामले में वो कहता है रहने दे भाई रहने दे हम तेरा माजी जानते हैं वो माजी जो छोड़ चुका तरक्क कर चुका अरसा गुजर गया जिंदगी बदल गई लेकिन अब तक उसके तारीख माधी ने लोगों की जेहनों से और हाफजे से पीछा नहीं छुड़ाया और लोगों ने उसकी अपनी बातों और तानों से हम लोगों को मजबूर करते हैं कि वो वापस पलट जाए उस गुना आलो जिंदगी में हम लोगों को मजबूर करते हैं अपने तानों और तशनी से और अपनी जहरीली बातों से अल्लाह अल्लाह तो आपसे उसको बु बुलाया और उसको कहा कि इसको अच्छे तरीके से अपने पास रखो ये जितनी भी हदीसें हम पढ़ते हैं प्यारे पैगम्बर की तलीमत और कुरान की आयतें इसमें हमारे लिए तालीम और दर्श होता है ये सिर्फ़ उस दौर के लिए नहीं है इसको पढ़ने सुनाने पढ़ाने और सुनने का और जो है मकसद क्या है कि हम इससे सबक़ हासिल करें हम इससे दर्श हासिल करें हम इससे नसीहत हासिल करें और अपनी अमली ज़िंदगी में भी इसको हम लागू करें और नाफिस करें इम्प्लीमेंट करें तो आप हमने क्या फरमाया इसको अच्छे तरीके से अपने पास रखो और जब ये बच्चा जन्म दे ले जन ले तो उसके बाद उसको लेकर आना तो फला फमार बिह नबी सल्लात अल आबू तो उस शख्स ने ऐसा ही किया और बच्चा जन्म देने के बाद फिर उसको आप की खिदमत में पेश किया तो आप ने हुम दिया और उसके कपड़े उस पर मजबूती से बांध दिए गए यानी उसकी बेपर्दगी भी ना हो इस हद के कायम करने में इस्लाम देखें कितना प्यारा दीन है एक यानी औरत जिसने बदकारी का जिन्ह का इरतकाम किया है और जब उस पर हद कायम की जा रही है तो कहा जा रहा है कि इसके कपड़े अच्छी तरीके से बांध दो इसके ऊपर ताकि बेपर्दगी ना यानी इस्लाम लोगों की नजर में वो बदकार जानिया औरत उसके भी पर्दे के तकदस का इस्लाम ख्याल कर रहा है कैसा ये दीन है अल्लाह अकबर फरमाया कि इसके कपड़े इसके ऊपर सख्ती से बांध दो अल्लाह अकबर सुम अमारा बिहार फर सलिया फिर आप के हुम पर उसे रजम कर दिया गया और उसके बाद आप सल्लम ने उसकी नमाजें जनाजा पढ़ाई देखें ये हमारे प्यारे हबीब मुहम्मद रसोलम फिर उसकी मफरत की दुआ की और प्यारे हबीब ने खुद जनाजा पढ़ाई तो फकालमरु तुसल आलिया रसोल्ला वक़त जनत हजरत उम्र फारूक को तजुब हुआ हैरत हुई इसका इजहार किया के रसूल से कि इस बदकारी करने वाली औरत पर आप जनाजा पढ़ते और इससे मिलता है जुलता है एक वाक़ भी आता है कि रजम करने के दौरान शायद उस औरत के ख़ून के जो फवारे फूटे तो आपको पता है ना कि जब पत्थरों से रजम किया जाता है ज़मीन में गाड़ कर पत्थर बरसाए जाते हैं तो खून के फवारे फूटे फूटे उसके जिसम से तो शायद किसी के हज़रत खालिद बिन वलीद के तालिमन कपड़ों पर गिरे तो उन्होंने कुछ सख्त अल्फाज उसको कह दे कह दिए कि उमर बिन ख़ाब रजी ये एक तरह से एतराज़ किया और ख़ालिद बिन वलीद रज़ील्ल्ला के बारे में आता है बहरहाल इसको हम दोबारा दुरुस्त कर लेंगे देख लेंगे इसका रिकॉर्ड मुझे याद पड़ता है कि हज़रत खालिद बिन वलीद थे कि जिनके कपड़ों पर खून की छींटे पड़े तो उन्होंने कुछ सख्त अल्फाज किए कि यानी ये भदकार औरत है जानिया औरत है या अस्तफुल्ल नउदिल्ला गंदी औरत है कि जिसके खून के चीटे मेरे कपड़ों पर पड़े तो यानी ये दो वाक़ या दो चीज़ें इस तरीके से आती दोनों के अंदर बहरहाल ये आता है कि यानी उन्होंने भी एतराज़ किया और हजरत उमर फ़ारूक ने भी कहा कि अलग रसूल इस औरत ने जिना क्या बदकारी कि इस पर आप जनादा पढ़ते हैं तो आपने यानी उमर फारूक को कहा फरमाया कि उमर तुम्हें नहीं मालूम इस औरत ने ऐसी तोबा की है ऐसी खालस पक्की ठक्की तोबा की है कि अगर उसे उस तोबा को अहल मदीना के मदीना के रहने वाले सत्तर आदमियों में तकसीम कर दिया जाए तो उनकी निजात के लिए काफ़ी हो लकुस्मत बिनीना सब अहलनात सत्तर लोगों में अगर उसकी तोबा को तकसीम कर दिया जाए ना वह सत्तर आदमियों की तोबा कबूल हो जाए और उनको काफ़ी है और गालिबा यही जवाब आपने हजरत खालिद बिन वलीद को भी दिया था कि तुम उसे बदकार या बुरी औरत कहते हो उसकी तोबा को अल्लाह ने ऐसे कबूल कियाबतू तो बतन इसे कहते पक्की ठक्की तोबा खालिश तोबा कि इंसान से गुना कैसा ही क्यों ना सरदर्द हो जाए लेकिन अगर वो अपने रब की तरफ रुजू कर ले नदामत शर्मिंदगी वापिस आ जाए उसका एहसास जाग जाए शर्मसार हो जाए तोबा कर ले निदामत कर ले रुजू कर ले अपने रब से माफ़ी मांग ले तो वो रब बड़ा मेहरबान है अल्लाह वो रब बड़ा मेहरबान है अल्लाह ताला तो तौबा करने वाले की तौबा से पीछा वाक्य पढ़ चुके उस बंदे से ज़्यादा खुश होता है जिसको सहरा में वो वाक़ आपके सामने बयान किया और एक और हदीस में आता है कि अगर लोग तौबा ना करें यानी गुनाह भी ना करें और तौबा भी ना करें तो अल्लाह ताला इस मखलूक को हटा के ऐसी मखलूक ले आएगा जो गलतियां करेगी और अपने रब से तौबा भी करेगी इस तरह की भी हदीस आती है जखीरा हदीस फिर फरमाया कि क्या इससे भी कोई अफजल बात है अल्लाह के रसूल ने फिर मजीद ताक़ीदन ये अल्फाज फरमाए क्या इससे भी अफजल कोई बात है हल वजत था अफजल अमन बिन वज़ल्ला के उसने अल्लाह की रजा के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी वो तो कोई इससे भी ज्यादा अफजल बात है उसको पता था कि मैं हालांकि उसका गुना छुपा हुआ था किसी को मालूम नहीं था औरत चाहती तो इसी के साथ अपनी जिंदगी गुजार लेती अपनी जिंदगी बचा लेती लेकिन वो खुद हाजिर हुई एतराफ किया और उसको पता था कि मेरे साथ क्या सलूक होना है मैं अपनी जान कुर्बान करने जा रही अपनी जान पेश कर रही हूं तो अल्लाह के रसूल ने फिर उसके जज्बे की कदर की और अधर उमर को जितलाया कोई इससे भी ज्यादा अफजल कोई बात है कि उसने अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह से माफी मांगने के लिए उसने अपनी जान तक कुर्बान करी अल्लाह तो फवाद इस हदीस के ये है कि एक तो रजम जो रजम की जो हद है रजम की जो सज़ा इस्लाम है उसका इस बात है क्योंकि किसी वक्त में ये रजम की आयत कुरान के अंदर शामिल थी लेकिन बाद में जो है ये आ, कैंसिल कर दी गई वो आयतें, लेकिन उसका हुक्म बाकी है यानी कुरान के बाद अहकाम ऐसे हैं कि आयत हैं मौजूद लेकिन हुक्म साकित हो गया और बाद ऐसे हैं कि आयात साखित हो गई हैं या हदफ हो गई हैं या कैंसिल हो गया लेकिन उनका हुक्म बाकी है तो ये रजम उसमें से और बात सारे लोग जो अपने आप को कुरान कहते हैं कुरान तो वो इसको हद को नहीं मानते लेकिन सही अदीस में रजम का इस है मौजूद है तो बाद आज कल के जो बड़े अपने आप को अप टू डेट समझते हैं और क़ुरान का दावा करते हैं कि जी कुरान ही काफ़ी है निजात के लिए और हिदायत के लिए तो वो लोग इसका इनकार करते हैं तो एक तो ये वाज हदीस है सही मुस्लिम की रिवायत है सही मुस्लिम किताबुल हदूद बाब मन अ आला नफसी बिज़ीना। तो एक तो रजम का स... उस सबूत है इसमें और दूसरा खालिस तोबा की फजीलत है कि खालिस तोबा जो करे उसकी फजीलत है और तीसरा साहबा साहबियात के जज्बलाही आखरत में हिसाब व किताब मुहासबा आखरत उसकी फ़िक्र उसका बयान और आखरत की सजा के मुकाबले में उखरबी सजा के मुकाबले में दुनिया की सजा को तरजीह देना और चौथा मसला यहाँ से ये यह साबित होता है सदी से कि जो कबीरा गुना का मुरतक ही उसकी नमाज जनाजा भी पढ़नी जाए कोई इंसान क्योंकि जना कबीरा गुना है। अगर कोई कबीरा गुना भी कर लेता है तो उसकी नमाज जनाजा भी पढ़ना जायज़ है हम यानी किसी शख्स की गुनागार की नमाज जना इस वजह से नहीं छोड़ सकते कि ये बहुत बड़ा गुनागार था बल्कि हमें उसकी नमाज जनाजा पढ़नी चाहिए हाँ अल्बत्ता ये है कि वो कबीरा गुनाह हलाल समझ के ना करता हो उसे जायज़ समझ के ना करता हो गुना को गुनाह समझ के करता हो क्योंकि अगर कोई शख्स गुनाह को जायज़ समझ के करता है तो फिर वो कुफर का कर बैठता है तो काफिर की जनाजा नहीं पढ़ सकते और पांचवा मसला हामला औरत को उस वक्त तक जो जना से बदकारी से हमला हो उस वक्त तक सज़ाए रजम नहीं दी जाएगी जब तक उसका वज़ह हमल ना हो जाए और बच्चा उसके दूध से बेनियाद ना हो जाए क्योंकि इस वाक़े की और जगह पर तफसील आती है कि वजह हमल हुआ फिर वह औरत आई तो आपने फरमाया कि इस बच्चे का क्या कसूर है तुम इसको दूध पिलाओ जब ये खाने पीने काबिल हो जाए फिर आना तो फरमाते कि छः महीने में उस औरत ने वो अपने उस बच्चे को इतना ट्रेन कर दिया जब दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हुई तो उस बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा छः महीने उसको इतना यानी यह था कि मैं अपनी तोबा से पहले कहीं दुनिया से रुखसत ना हो। अल्लाह एक और हदीस हम पढ़ते हैं और ये इस बाप को कंप्लीट करते हैं हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजील फरमाते हैं हजरत अब्बास और इबन अब्बास और अनस बिन मालिक दोनों से रवायत अन वलैम तब वतूबल अलामज़रत अब्बुल्ला बिन अब्बास औरस बिन मालिक दोनों से आब से रिवायत रसूल वसल्लम ने शाह फरमाया कि और यह हदीस बुखारी मुस्लिम की अगर इंसान के पास एक वादी सोने की हो तो उस पर कनात नहीं करेगा उस पर इक्तफ़ा नहीं करेगी इंसान की फितरत, उसकी हिरस जो है माल के ऊपर बल्कि वह चाहेगा कि उसके पास दो वादियाँ सोने की हों और वादी हमारे शेख ने बताई थी जो क़तर से हमारे मेहमान आए थे तो उन्होंने वादी की वजहत फरमाई थी ना कि वादी कितनी बड़ी होती तो एक वादी सोने की होब सोने की भर के इंसान के पास उस पर वो इकतफ़ा नहीं करेगा उस पर कनात नहीं करेगा बल्कि वो चाहेगा कि ऐसी दो वादियाँ ये इंसान की फरमाया कि उसका मुँह वल्ला फ़ाहत तो तुराब उसका मुंह तो कबर की मट्टी भरेगी ये पेट जो है बड़ा बुरा बर्तन है और उसको भरने वाली चीज सिर्फ और सिर्फ कबर की है। दुनिया में जितना भी इंसान का वाल है ना जितना भी जमा कर ले उसकी ख्वाहिश होती है और भी आ जाए और बाज जगह पर आप आपसलम ने ओहत पहाड़ की भी मिसाल दी कि अगर ओहत पहाड़ सोने का हो तो फिर इंसान की चाहत होती है कि एक पहाड़ और सोने का हो फिर आगे इसका मौजू से क्या ताल्लुक है आगे इस हदीस के जो अल्फाज है उसका मौजू से ताल्लुक है उसकी मुनासबत मौजू से मुतल है व या तोब अल्लाह अला मनताबा अल्लाह तो बंदे की तौबा कबूल करता है और उस पर रुजू फरमाता है जो उसकी तरफ रुजू करता है यानी तौबा करने वाले की तौबा को कबूल करता है बशरत ये कि वह तोबा शराइत और आदाब तोबा के मुताबिक हो बुखार मसलम तो इस हदीस में इंसान की हिरस और माल से उसकी शदीद मोहब्बत का जिक्र है जिससे सिर्फ वही बच सकता है जो ईमान में कामिल हो वन भी हुररत रजील् तन रसूल सल्ह कौल यद हकिल्ल सुबह इलाजुलई ने आखिर यद खुला नजन्ना युकाफ़ी सबी फ़युक्तूबल फ़युसलीमू फ़ैस्त शफफ़ुन ये आखिरी रिवायती इस है की इसको हम तर्जुमा बयान करके हम अपने इस मौजू को ख़त्म करते हैं समेटते हैं और इन शह अगले दरस में अगला मौजू बयान करेंगे हजरत अबू हुरैरा अल्लाह तआला से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला दो आदमियों को देख कर हंसेगा यद व तआला इला रजुलैन दो आदमियों को देख कर क्या मत के दिन हंसे अलाखर यदखुलान खुलाने जन्ना जिनमें से एक ने दूसरे को कतल किया वो दोनों के दोनों जन्नत में दाखिल हो जाएंगे हालांकि उनमें से एक दूसरे का कातिल होगा और वो दोनों ही जन्नत में दाखिल हो जाएंगे अल्लाह ताला इन दो आदमियों पर हंसेगा उसकी वजाहत क्या है कि सबी फयुक तल इनमें से जो शख्स कतल होगा ना ये अल्लाह के रास्ते में जिहाद करेगा और लड़ते हुए अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिया जाएगा कतल हो जाएगा जो होगा इसका कातिल जो उस वक्त काफिर था उसको अल्लाह ताला तौफीक देगा तौबा की और वो काफिर तौबा करके मुसलमान हो जाएगा और फिर अब वो भी अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाएगा तो कातिल भी और मखतूल भी दोनों ही जन्नतियों में ऐसे दो लोगों पर अल्लाह ताला तबस्सुम फरमाएंगे तो तोबा से बड़े से बड़ा गुना और कबूल इस्लाम से तमाम साप का गुना माफ हो जाते हैं तो इस हदीस से हमें यह फायदा पता चला और दूसरी ये बात अल्लाह की सिफत कि हंसना भी अल्लाह की सिफत अल्लाह तला भी हंसता है फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ये भी हमें सिफत यहां से पता चली जिस पर ईमान रखना जरूरी है और वो कैसे हंसता है उसकी कैफियत से ना हम आगे ना आगा हो सकते वो जैसे को भी जला ही। ही जैसा तो कोई है नहीं और जैसे उसकी शान के लायक है वो वैसे ही हंसता है हम उसको ये नहीं कह सकते हमारे और आपकी तरह हंसता तो ये था हमारा इस तोबा के मौजू के अंदर आखिरी हदीस जो मुकम्मल हुई ये मौजू खत्म हुआ मुकम्मल हुआ बाबू तोबा अगला जो तौबा वो अगला जो मौजू है मौजूद व बाबूसबर है का बयान है जो इन शाह हम अगले अपने हदीस के दरस में इनशा इसको हम शुरू करेंगे अल्लाह ताली से दुआ कि अल्लाह हमें भी गुनाहों से बचने और जो गुनाह हो चुके हैं उस पर सच्चे सिदकर दिल से तोबा करने की तोफ़ी अतः फरमाए वकुल को लिहाजा व सखफ़र वालकमल सारसलिमिन व आखरुदावानदिल रबालमिन वसलम आलकम वरक